राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यादव डेयरी ब्लॉग्स पे। अभी आप देख सकते हैं मेरी सारी पशुएं बाहर हैं। आज धूप से निकलने की वजह से हमने इनको फिर से वॉश किया और इनको बाहर निकाला है, जो कि आप देख सकते हैं सभी जुगाली देसी भाषा में पागुर कर रही हैं। सभी जानवर देख सकते हैं आप। आज मैंने अपनी भैंसों को भी वॉश किया था, जो कि आप देख सकते हैं। आज मैंने इनको भी बाहर निकाला है। अभी मैं अपने भैंसों के पास हूँ। मैंने इसका मिल्क रिकॉर्ड का वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसका मिल्क रिकॉर्ड का वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस भैंस का मिल्क रिकॉर्ड का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है। मैं इसका भी मिल्क रिकॉर्ड का वीडियो अपलोड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर करूँगा। आप देख सकते हैं ये मेरे डेयरी फार्म्स की दो बेहतरीन भैंसें हैं। मैंने अपने फीडिंग का वीडियो अपलोड किया था, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं मैं अपने जानवरों को क्या क्या फीडिंग में देता हूं। बाकी ये मेरे डेयरी फार्म्स की सभी पशु हैं। आज मैंने अपनी इस पशु को भी वॉश कर दिया, जिसका मैंने वीडियो बताया था कि इसको पीएच डाउन होने की वजह से इसको डॉक्टर ने धोने से मना किया था। आज मैंने इसको वॉश कर दिया और अगर इसका फिर से अगर तबीयत ख़राब होता है तो इस पर वीडियो में फिर से बनाऊंगा, इसको क्या क्या दवाइयाँ चलेंगी क्या क्या नहीं, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ये मेरे फार्म्स की गाय हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने अपने एक वीडियो में बताया था ये मेरी गाय है, जिसको मैंने बताया था कि 7 मंथ की बच्चे देने वाली है। अभी इसको देख कर लगता है ये मेरे डेयरी फार्म्स की नहीं, मैंने इसको खरीद कर लाया था। इसके ऑनर ने बताया था यह 2 मंथ बच्चे हैं इसको बच्चे देने में, लेकिन इसके देखकर लगता है यह 1 मंथ में बच्चे दे देगी। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि इसको क्या क्या देना है, जिससे इसके दूध में बढ़ोतरी होगी। और इसके आप इसको देख सकते हैं, आप इसके थन को मैं इसमें इसको क्या क्या देना है इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, या कितना दूध तर जाएगी मैं इस पर इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। बाकी आप देख सकते हैं मेरे सारे डेयरी फार्म्स की गाय, उधर बछियाँ हैं और उधर मेरे बुल हैं। बाकी और भी मैं अपनी डेयरी फार्म्स की काओ का मिल्क रिकॉर्ड अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। बस आप अपना ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हम पर दिखाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।